हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज फोर फीचर ऑफ शेयर। फोर फीचर ऑफ शेयर क्या है कि जब कोई शेयर होल्डर कंपनी को ड्यू डेट पर पैसे नहीं देता है तो कंपनी उसको 14 डेज का जो नोटिस है वो देती है, और 14 डेज का उसको टाइम देती है कि यहाँ पे 14 डेज के अंदर आप पैसा जो है वो जमा करा दें, अदरवाइज आपके शेयर जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। सही है, तो इसको कहते हैं 14 डे नोटिस, जिसमें कि कंपनी उसको 14 दिन का जो टाइम है वो आपको देती है कि 14 दिनों के अंदर आप अगर आपने पैसे जमा नहीं कराए तो हम आपके शेयर जो हैं वो सारे कैंसिल कर देंगे। तो इसके लिए क्या एंट्रीज होगी अपन देखें, तो फोर फीचर में पहले आपको ये तय कर लेना चाहिए कि शेयर इशू जब पास्ट में हुए थे तो कैसे हुए थे, वो अपन को पहले क्लियर करना चाहिए, उसका फर्क एंट्रीज पे पड़ेगा। पहली कंडीशन लेता हूं, फोर फीचर इफ इशू वॉज एट पार, अगर इशू कैसे हुए हों, एट पार हुए हों, तो उसका फोर फीचर की एंट्री जो है वो आपकी कैसे होगी। देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अभी तक हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था एंट्री में इशू करते वक्त, अब जब हम फोर फीचर कर रहे हैं तो उसको कैंसिल करना है। फोर फीचर का दूसरा नाम कैंसिलेशन भी होता है, ठीक है, इसका मतलब कैंसिलेशन भी होता है। तो शेयर कैपिटल को हमने डेबिट किया। टू, जो जो पैसा नहीं आया, मान लो अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मान लो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, मान लो सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। सही है, तो जो पैसे नहीं आए वो सब यहां लिखे जाते हैं, और जो पैसे आ गए वो लिखे जाते हैं टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। यहां कौन से लिखे जाते हैं, जो पैसे आ गए, यहां राइट का टिक लगा रहा हूं, जो पैसे नहीं आए वो यहां, जो पैसे आ गए वो यहां, और यहां कौन सी मनी लिखी जाती है, यहां लिखी जाती है कॉल्ड अप मनी। कौन सी मनी, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप का मतलब है अभी तक आपने मांगे कितने, उसमें से कितने नहीं आए और कितने आ गए, ये अमाउंट यहां लिखे जाते हैं। ये फोर फीचर यदि इश्यू किस पर हुआ, पार पर हुआ। सही है, अब सेकंड कंडीशन लेते हैं, फोर फीचर इफ इशू वाज एट प्रीमियम, फोर फीचर इफ इशू वाज एट प्रीमियम, यानी प्रीमियम पे इशू किया गया हो, उसमें भी पहली कंडीशन इफ प्रीमियम वाज रिसीव्ड, और हमें प्रीमियम मिल भी चुका हो, अगर प्रीमियम मिल चुका हो फिर तो झंझट ही नहीं है, क्योंकि जब प्रीमियम मिल गया है तो उसका अकाउंट क्लोज करने की आपको जरूरत नहीं है, तो एंट्री सेम यही होगी जो आपने ऊपर की है, यही वाली सेम एंट्री कैसे होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सही है, और प्रीमियम दे दिया है तो इसका अलॉटमेंट भी दे दिया होगा, तो इस कंडीशन में अलॉटमेंट को आप यहां क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा आ गया है, तो इस कंडीशन में आप करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, और बाकी जो आ गया है पैसा टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। सही है, शेयर कैपिटल में कौन सी मनी आती है, शेयर कैपिटल में तो वही कॉल्ड अप, जो पैसा नहीं आया है वो शेयर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, और जो पैसा आ गया है वो शेयर फोर फीचर में। सही है, ये जब है जबकि प्रीमियम जो है रिसीव्ड हो चुका हो, लेकिन अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, यानी मैं बी कंडीशन ले रहा हूं, तो एंट्री जो है थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्या होगी देखते हैं।
कंडीशन नंबर बी, इफ प्रीमियम वाज नॉट रिसीव्ड, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ हो तो एंट्री में कुछ चेंजेस होंगे। पहला तो वही है, शेयर कैपिटल तो डेबिट होना ही है कॉल्ड अप अमाउंट से, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है और आपने उसको थर्ड एंट्री में क्रेडिट किया है और वो रिसीव हुआ नहीं है, तो उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो जो पैसे नहीं आए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल नहीं है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल सेकंड कॉल नहीं है तो टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, और जो पैसा आ गया है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये आपकी पूरी एंट्री होगी इफ प्रीमियम वाज नॉट रिसीव्ड। शेयर कैपिटल में कौन सी मनी आएगी, शेयर कैपिटल में तो वही कॉल्ड अप मनी आएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दिया, दिस इज न्यू लाइन। जो पैसा नहीं आया वो यहां लिखेंगे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, और जो पैसा आ गया है ध्यान रहे वो किस में लिखेंगे, शेयर फॉरफीचर में लिखेंगे। तो इन दोनों एंट्रीज में आप नई बात देखिए कि यहां आपने जब प्रीमियम वाज रिसीव्ड था तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट नहीं किया है, जबकि इस एंट्री में प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है तो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट किया है। बस इतना सा आपका चेंज है जो कि आपको ध्यान रखना है, प्रीमियम वाज नॉट रिसीव्ड तो प्रीमियम डेबिट होगा, और अगर प्रीमियम वाज रिसीव्ड है तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। बाकी पार की एंट्री तो सिंपल है, ओके। तो ये हो गया फॉरफीचर। फॉरफीचर जब कोई कंपनी का पैसा शेयर होल्डर नहीं देता है तो कंपनी उसको 14 डेज का नोटिस देती है कि भैया 14 दिनों में अपना पैसा जमा करा दो, अगर नहीं कराओगे तो आपके सारे शेयर कैंसिल कर दिए जाएंगे और जो अमाउंट आपने अब तक दिया है वो भी शेयर फिटेड हो जाएगा, वो भी जब्त हो जाएगा, वो पैसा आपको वापस नहीं दिया जाएगा। सही है, आगे देखते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं रीइशू ऑफ शेयर, ये फॉरफीचर के बाद होता है कि कंपनी ने शेयर को फॉरफीचर कर लिया तो कंपनी अब उन शेयर्स को अपने पास थोड़ा ना रखेगी, वो किसी और को इशू करेगी। किसी और को इशू करेगी तो रीइशू करना कहलाएगा, और उस रीइशू करने को अपन क्या एंट्री करेंगे उसको अपन को समझना है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि अगर उन शेयर्स को एट पार इशू किया जाए, एट पार का मतलब है सेम प्राइस, सेम प्राइस पे अगर आप इशू करोगे तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपने एट पार इशू कर दिया, ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है। ऐसे ही आप एट प्रीमियम भी इशू कर सकते हो, यानी ज्यादा प्राइस पर। इस कंडीशन में आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इतना तो कॉमन है ऊपर वाली एंट्री के साथ, बस यहां टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और लग जाएगा कि हाँ भाई ये प्रीमियम पे इशू हुआ है। इस बार जो रीइशू होता है ना उसमें वो चार स्टेप नहीं होंगी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, रीइशू में तो एक साथ ही सारे पैसे मांग लिए जाते हैं, इसीलिए एक सिंगल एंट्री होती है एट पार एट प्रीमियम। अब आता है एट डिस्काउंट। तो अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था डिस्काउंट पे शेयर इशू हो ही नहीं सकते, तो ध्यान देना डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते लेकिन रीइशू हो सकते हैं। तो रीइशू के वक्त डिस्काउंट दिया जा सकता है, रीइशू के वक्त डिस्काउंट दिया जाएगा तो आपकी क्या एंट्री करेंगे वो अपन देखते हैं। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो डिस्काउंट जैसे 10 रुपए का शेयर है, आपने 9 में इशू किया, रीइशू किया, तो 1 रुपए क्या हो गया डिस्काउंट, वो शेयर फोरफीचर से डेबिट किया गया है। रीजन ये है कि गवर्नमेंट ये कहती है, कंपनी एक्ट ये कहता है कि आपने जब शेयर फोरफीचर किया था तो आपने फोरफीचर अकाउंट को क्रेडिट किया था कि जो पैसा आ गया, ये पैसा आ गया तो आपका फायदा हुआ, तो अब अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है तो आप इस फायदे से ही चार्ज करेंगे। दैट्स वाई शेयर फोरफीचर अकाउंट जो कि यहाँ क्रेडिट हुआ है उसको हमने यहाँ डेबिट किया, उसी से हमारा नुकसान जो 1 रुपए का नुकसान हो रहा था वो हमने उससे चार्ज किया। इसी को कहते हैं एट डिस्काउंट इशू करना। तो ध्यान देना, रीइशू जो है एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट हो सकता है, जबकि इशू सिर्फ एट पार और एट प्रीमियम ही हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये अपन ने पढ़ा रीइशू ऑफ शेयर। अब रीइशू के बाद लास्ट स्टेप देखते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सर ये ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व क्या है? तो देखो शेयर फोरफीचर का जो अमाउंट होता है रीइशू के बाद, ये किसके बाद होती है एंट्री, ये होती है आफ्टर रीइशू। रीइशू करने के बाद फोरफीचर का जो अमाउंट है वो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। कैसे वो अपन को देखना है, उसके लिए सबसे पहले तो एंट्री होती है। एंट्री क्या होती है, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जो शेयर फोरफीचर यहाँ क्रेडिट था, देखें एक बार, मान लेते हैं आपने इस एंट्री में शेयर फोरफीचर को क्रेडिट किया था, कोई भी एंट्री ले सकते हैं, मान लो इस एंट्री में आपने क्रेडिट किया था 1000 रुपी, तो 1000 रुपी से फोरफीचर अकाउंट यहाँ क्रेडिट है, और आपने इस एंट्री में फोरफीचर को कर दिया डेबिट कितने से, 300 से, तो 1000 क्रेडिट था, 300 डेबिट हो गया, तो अब बचा कितना, 700। ये जो एंट्री है ये आपका 700 का शेयर फोरफीचर का अमाउंट आपके लिए फायदा है, कैपिटल प्रॉफिट है। ये कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। वापस से सुन लें, शेयर फोरफीचर अकाउंट जो क्रेडिट आपने 1000 किया, एक इमेजिनरी फिगर है जो क्रेडिट किया, उसमें से डेबिट किया 300 यहाँ डिस्काउंट पे इशू करते वक्त, तो अब उस 1000 में से 300 यहाँ डेबिट हो गया, तो वहाँ क्रेडिट कितने बचे, 700। उन 700 अमाउंट को डेबिट करके ट्रांसफर करेंगे कहाँ, कैपिटल रिजर्व के अंदर। ये आपकी कहलाती है एंट्री ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, सही है। इसमें भी दो कंडीशन आती है, कंडीशन नंबर 1, इफ ऑल द फोरफीटेड शेयर्स, इफ All the forfeited shares are reissued, यदि सारे के सारे forfeited share reissue कर दिए जाएं, फिर तो बहुत ही आसान है, क्या कि जो credit side है forfeiture की तो उसमें से debit को less कर दो, remaining जो भी amount है वो कहाँ चल जाएगा, capital reserve के अंदर चला जाएगा, सही है। जैसे कि अपन ने यहाँ किया, credit था 1000, डेबिट था 300, लेस किया 700 रुपये चला गया। ये तो तब है जब सारे शेयर इशू कर दिए जाएं। फिर है कंडीशन नंबर 2, इफ ओनली सम शेयर्स आर रीइशूड, अगर केवल कुछ शेयर ही रीइशू किए जाएं, कि मतलब मान लो आपने 500 शेयर्स आपने फोरफीट किए थे या 1000 शेयर आपने फोरफीट किए थे और आपने 1000 में से रीइशू सिर्फ 500 शेयर्स ही किए हैं, तो ओनली सम शेयर्स आर रीइशूड, भाई फोरफीट तो आपने 1000 किए और रीइशू आपने 500 किए, तो आधे शेयर रीइशू हुए, तो आधा ही अमाउंट कहाँ जाना चाहिए, कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। इस तरीके से प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। उसके लिए फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता दूं, क्या अमाउंट फोरफीटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू नंबर ऑफ रीइशूड शेयर्स।
ये फॉर्मूला लगता है ना। जैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर अमाउंट फॉरफिटेड था 1000, है ना, और ये कितने शेयर्स में था, 1000 शेयर पे। तो अपन थोड़ा सा अमाउंट चेंज कर लेते हैं, अपन इसको कर लेते हैं 2000 मान लेते हैं, है ना। 2000 रुपए थे कितने शेयर्स पे, 1000, तो अमाउंट फॉरफिटेड था 2000, नंबर ऑफ शेयर कितने थे 1000 इंटू नंबर ऑफ रीशूट, रीशूट कितने किए थे, रीशूट कितने किए 500। तो 2000 रुपए थे वो तो 1000 शेयर्स पे थे, तो 500 शेयर्स पे कितने होंगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1000 रुपए, सही है। अब इसमें से डेबिट कितना हो गया, उसको लेस करना पड़ेगा। डेबिट कितना हुआ था, डेबिट हुआ था 300 रुपीज, उसको लेस कर दो। यानी इस फॉर्मूले से जो आंसर आए उसमें से जो डेबिट है उसको लेस कर दो, रिमेनिंग 700 रुपीज कहां चल जाएगा, कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो जब सारे शेयर्स रीशू हो तो बहुत ही आसान है, क्रेडिट माइनस डेबिट, और जब केवल सम शेयर्स रीशू हो तो पहले फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला लगाने से जो आंसर आपका आएगा उसमें से डेबिट वाले अमाउंट को लेस कर दो, बाकी का जो रेस्ट ऑफ द एक्सेस अमाउंट है वो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ये दोनों कंडीशन जब तक आप क्वेश्चन में देखेंगे नहीं ना लाइव, तब तक आपको ढंग से समझ में नहीं आएंगी। तो अभी तो आपसे कंडीशन याद रखें कि इफ ऑल द शेयर्स आर इशूड और इफ ओनली सम शेयर्स आर इशूड, उसके बाद जब ये कंडीशन आप देखोगे तो ये आपको एकदम 100% क्लियर होगी। ओके, तो ये आपका सबसे पहले अपन ने किया था इशू, इशू के बाद हुआ फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर में कोई एक एंट्री आपको इनमें से करनी पड़ेगी। फॉरफीचर के बाद आपका आया रीशू, आप रीशू करेंगे शेयर को एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट पर। और उसके बाद आपका लास्ट स्टेप आएगा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में फिर दो कंडीशन होंगी, या तो सारे शेयर्स रीशू किए हैं इफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर इशूड, और इफ ओनली सम शेयर्स आर रीइशूड। ओके, बाकी ये एंट्रीज जब तक आप 10-15 क्वेश्चन इसके नहीं कर लेंगे तब तक आपको ढंग से क्लियर नहीं होगी, तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस जरूर से करें। ओके, थैंक यू।